तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज वीडियो हम बात करने वाले हैं कि यदि आप मीशो से कोई ऑर्डर किए हैं, कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं और आप कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, तो एक स्टेप में आपको बताऊंगा कैसे मीशो पे ऑर्डर किए गए प्रोडक्ट को आप आसानी से कैंसिल पा के और रिफंड कैसे पाएंगे, कैसे आपका पैसा वापस होगा। पूरी प्रक्रिया आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप कैंसिल करेंगे, रिफंड कैसे होता है, आपके खाते में पैसे कैसे आएगा, कैसे आप मीशो से पूरा पैसा ले पाओगे यहाँ पे कैंसिल करने के बाद। क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं कि पहले पैसा पेमेंट कर दिया लेकिन वापस कैसे पाऊंगा, मैं इससे कैसे पैसा लूंगा, मतलब जिस भी कंपनी से ऑर्डर किया हो तो। लेकिन मैं इस वीडियो में मीशो के बारे में बात करूंगा, तो आइए चलिए लाइव स्क्रीन लगाते हैं और देख लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए चलिए लाइव स्क्रीन लगाते हैं और देख लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे स्क्रीन लगा दिया, आइए यहाँ पे पूरा लाइव देख लेते हैं कि मीशो के द्वारा जो मैंने ऑर्डर किया है उसको कैंसिल कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पे मीशो ऐप यूज करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑफर भी चलते रहते हैं, उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। एक मिनट में ऑफर की तरफ ले चलना चाहूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको रेफर एंड अर्न का ऑप्शन मिलता है, फिर चैलेंज है, फिर लॉटरी स्पिन करके आप जीत सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ जीता भी है, मतलब आप ही के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कूपन वगैरह जीत सकते हैं। फिर यहाँ पे मीशो क्रेडिट में जाते हैं तो आप कुछ बैलेंस भी जीत सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 74 रुपये जीत रखा और सारे बैलेंस जीता था जिसका मैंने कुछ ना कुछ सामान खरीद लिया। तो ये सब आप लॉटरी यहाँ पे जो स्पिन है ना इसमें जीत सकते हैं, इस तरह से पा सकते हैं। आइए देखते हैं ऑर्डर कैंसिल कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस देखते हैं। तो हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाना होगा। नीचे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक ऑप्शन दिखेगा ऑर्डर्स का, इस पर हमको जाना होगा। इस पर जैसे ही जाएंगे जो आप ऑर्डर किए रहेंगे ना वो आपके सामने आएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखिए कुछ ऑर्डर किया था जो मुझे डिलीवर भी हो चुका है, तो अगर रिटर्न करना चाहे रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सीखेंगे कैंसिल करना। यदि आप रिटर्न करना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो लेकर आ जाऊँगा कि रिटर्न कैसे किया जाता है। लेकिन मुझे तो ऑर्डर कैंसिल करना है, तो कैंसिल कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे 20 नवंबर मतलब आज ही यहाँ पे ऑर्डर किया हूँ इसको, मैं मुझे पसंद नहीं है कुर्ती, तो मुझे इससे क्या करना चाहता हूँ, कैंसिल करना चाहता हूँ। सिंपल इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं और टोटल यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, प्लेस ऑर्डर कब हुआ, कैसे क्या है, यहाँ पे नीचे आपका जो रेट वगैरह प्राइस वगैरह आ जाता है, फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे सप्लायर का नाम आ जाता है और यहाँ पे सेंडर का नाम आता है, सेंडर नेम नंबर आता है, टोटल ऑप्शन आता है। लेकिन हमको क्या करना है, ऑर्डर कैंसिल करना है। तो एक ऑप्शन हमको शो होगा यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर का, यहाँ पे देख सकते हैं इसके सामने जो एरो है ना इस पर हमको क्लिक करना होगा। एरो पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे कहेगा सेलेक्ट ए रीजन फॉर कैंसलेशन, आपको एक रीजन देना होगा। तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा रीजन पे और हम इस पर कहना चाहूँगा कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि यहाँ पे कोई ऑप्शन दे सकते हैं, मैं लिखूँगा एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम इज लॉन्ग, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ऑप्शन हो गया। अब कह रहा है टेल अस मोर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट लाइक या कुछ भी लिख सकते हैं नॉट लाइक। अब मैं यहाँ पे कैंसिल प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, मेरा यहाँ पे जो ऑर्डर है कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि योर ऑर्डर इज कैंसिल्ड, यहाँ पे हैज बीन कैंसिल, पूरा पूरा ऑप्शन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। अब बात आती है कि हमने तो पेमेंट कर दिया था, तो पेमेंट यदि आप किए थे ना तो जिस ATM कार्ड से किए थे या जिस अकाउंट नंबर से किए थे ना उसमें एक हफ्ते का टाइम लगता है, ये ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर क्रेडिट हो जाएगा, आप घबराइए मत, ठीक है। आपका जिस अकाउंट से पेमेंट किए हैं तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, जिस ATM कार्ड से किए हैं उस ATM कार्ड जिस अकाउंट से लिंक है ना उस खाते में पैसे आ जाएंगे। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यदि कैश ऑन डिलीवरी किए थे तो कोई बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, यदि पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।